कहानी की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए सभी पात्रों के नाम बदल दिए गए। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। और तुम? मेरी तो हालत खराब है। दो दिन से नहीं मिले, लेकिन ऐसा लगता है जैसे परसों हो गए हो हमें मिले। शाम को मिलोगी? हमेशा के लिए मिलोगे? तुम मिलो तो सही। ओके। रोहन, कितनी बार कहा है तुझसे कि जब पहला फोन चालू हो तो दूसरे को बंद करके रखा कर। विनीता, ये गहने उतार दो। क्यों? सफर के टाइम पे सेफ नहीं होता ना, बाद में मैं खुद इन्हें पहना दूंगा। रोहन, तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि अगर मम्मी पापा हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता? ओह, अरे शादी के सीधे बाद हम उन्हीं का आशीर्वाद देने जा रहे हैं ना। आफ्टर ऑल, उनके आशीर्वाद के बगैर ये इनिंग्स पूरी तो होने वाली नहीं है। अभी बस को आने में एक घंटा बाकी है। एक घंटे बाद? रोहन, मुझे बहुत भूख लगी है। चलो ना, चल कर कुछ खाते हैं। एक मिनट, पहले ये खा। इसमें क्या है? कर्ण निरोधक गोली। कल रात के बाद कोई रेस्ट नहीं लेना मुझे। लो इसे। लेकिन हम शादी कर रहे हैं ना रोहन। बाबा, 4-5 साल तक मैं कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। बच्चे होंगे तो मेरा पत्ता कट। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब टॉयलेट में जाओ और ये दवाई खा लो, ठीक है? बाथरूम। रीता, अपना फोन लेके आना प्लीज। क्यों? मेरी बैटरी डाउन हो गई है। लो, हमेशा की तरह। अब तेरी कोई जरूरत नहीं। वनिता की मौत एक परफेक्ट सुसाइड केस लग रही थी। एक लड़की अपनी फैमिली को बिना बताए कहीं चली जाती है और फिर एक पब्लिक टॉयलेट में पोटेशियम साइनाइड खाकर आत्महत्या कर लेती है। विनीता जिन हालात से गुजर रही थी उनमें उसका खुदकुशी कर लेना कोई हैरानी की बात नहीं थी। मांगलिक थी मेरी वनिता। ढूंढ ढूंढ कर थक गए हम सब। खुद इंटरनेट पर ढूंढने लगी। चिड़चिड़ी सी हो गई थी, लेकिन ऐसा कुछ करेगी सपने में भी नहीं सोचा था। वैसे पिछले दिनों में कोई परेशानी थी? दरअसल कल जब घर से निकली बहुत खुश लग रही थी। अपने सारे गहने साथ लिए, अपने माँ के गहने भी पैक करके लेके गई। पैंतीस साल में 100 के ऊपर सुसाइड केसेस आए मेरे पास, लेकिन एक भी केस में गहने गायब नहीं थे। पर सर, इसके हैंडबैग में पैसे तो थे। लेकिन उसके हैंडबैग में मोबाइल भी तो नहीं था। ये बात सही है, ये सुसाइड का केस नहीं लगता। वाह, तुम मोबाइल फोन के सारे डिटेल्स कलेक्ट करो क्विक। ठीक है सर। अगर जेवर गायब नहीं हुए होते तो ये सुसाइड का ओपन एंड शट केस करार दिया जाता, लेकिन इंस्पेक्टर फर्निस की शातिर नजर को पहले ही दाल में काला दिख गया था। शादी करोगी मुझसे? शादी? मैं शादी वादी में नहीं बिलीव करती, बस मैं तो लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। हर लड़के को तुम्हारी ऐसी गर्लफ्रेंड मिलनी चाहिए। और हर लड़के को सैंडल की मार। स्टूपिड, मजाक कर रही। ऑब्वियसली मैं शादी करना चाहती हूँ, वरना मैं प्यार क्यों करती? ठीक है फिर, अभी कर लेते हैं शादी और सीधा जाते हैं और तुम्हारे माँ बाप का आशीर्वाद ले लेते हैं। क्यों ना पहले तुम घर चलो, तुम्हें मम्मी पापा से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और फिर धूमधाम से शादी करेंगे। देखो बाबा, तुम्हारे माँ बाप हजार तरीके के सवाल करेंगे और मुझे किसी सवाल का जवाब देना नहीं आता। मैं हमेशा अकेला हूँ ना बचपन से, बस ऐसा ही हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, इसमें इतना टची क्यों हो रहे हो? देखो, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो बोलो, मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाता हूँ। रोहन, ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं तो सिर्फ शादी करने के लिए कहा ना।
आई लव यू यार। सर ये एक नंबर मिला है 4444567878। विनीता ने इसी नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल्स किए थे और इसी नंबर से उसको सबसे ज्यादा कॉल्स आए भी थे। किसका नंबर है ये? कोई श्रीकांत झा करके है, एमएनसी में काम करता है। नहीं ये मेरा नंबर नहीं है, सिम कार्ड आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। एक मिनट सर, क्या नंबर था वो? 4444567878। ये तो मेरी बहन कावेरी का नंबर है सर। हाँ लेकिन सिम कार्ड आपके नाम पर रजिस्टर्ड है। हाँ सर मैंने अपने नाम से लिया था लेकिन कावेरी को गिफ्ट किया था। ये कावेरी किसी वनिता नाम की लड़की को जानती है? कोई सहेली? नहीं सर वनिता नाम तो कभी उसके मुँह से सुना नहीं। मुझे आपकी बहन से मिलना है, कब मिलेगी? नहीं मिल सकती सर। क्यों? सर एक्चुअली एक महीने पहले उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड? कैसे? कुछ पता नहीं चला सर, पुलिस को उसकी बॉडी वाशी बस स्टेशन में मिली। स्टेशन पे? कैसे किया था उसने सुसाइड? बस स्टेशन के टॉयलेट में, पॉइजन। पॉइजन? इंस्पेक्टर फडनीस ने तुरंत कावेरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई। मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला वाक, सेम पैटर्न, कावेरी की मौत भी साइनाइड पॉइजनिंग से हुई। मतलब ये केस भी बस स्टेशन के टॉयलेट में? सर दरअसल कावेरी की शादी में परेशानी आ रही थी, मंगल दोष था थोड़ा सा। वो खुद लड़के तलाश रही थी इंटरनेट पर। यस सर, पर आपको कैसे पता? घर से जाने से पहले वो अपने और अपने माँ के जेवर साथ में लेके गई थी, जो कभी मिले ही नहीं। ओह माय गॉड। यस सर ऐसे ही हुआ था। सेम पैटर्न है दोनों केसेस में वाक, सुसाइड केस तो भूल ही जाओ, ये मर्डर केस है और एक ही आदमी का काम है। ये पूरे स्टेट के पिछले एक साल के सुसाइड केसेस चेक करो, इस पैटर्न की सिमिलर केस मिल सकती है। मिलेगी। डैडी? हाँ बेटा। डैडी मम्मी बुला रही है, डिनर रेडी है। ओके बेटा, चलो बेटा। विनीता की मौत 18 और ऐसे मामलों को सामने ले आई जहां मुंबई, वाशी, पुणे, नासिक और कोल्हापुर जैसे अलग अलग शहरों में लड़कियां बस अड्डों के पेशाब घरों में मरी हुई पाई गई थी। सबकी सब साइनाइड की शिकार, ये डेफिनेटली साइकोपैथ है। हम एक बहुत ही डेंजरस सीरियल किलर से निपट रहे हैं। वाह ये लीजिए, जब से आपने मैथ्स पढ़ाना शुरू किया शशांक को, बहुत अच्छे मार्क्स लाए मैथ्स में। अच्छा, गणित में 100 में 100 आने चाहिए। हाँ, कहता तो है कि बड़ा होकर पापा की तरह मैथ्स टीचर बनना है। मैं भी पापा की तरह मैथ्स टीचर बनूंगी। अच्छा तुम दोनों बड़े होकर के मैथ्स टीचर बनना, मुझे पूरी गारंटी है। दोनों माँ बाप का नाम रोशन करो रोहन की तरह। की अवधि में इस शादीशुदा बाल बच्चेदार गणित के प्रोफेसर ने 18 जवान लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया। इन सभी केसेस में पीड़ित के घर वालों ने भी इसे एक दुखद सुसाइड ही मान लिया था, क्योंकि लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी और वो सब हताश थी। पिछले विक्टिम का फोन अगले विक्टिम को फांसने के लिए इस्तेमाल करता है और 15 दिनों के बाद वो फोन फेंक देता है। सर सभी लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक किया सर, इस्तेमाल की गई साइनेट सी ग्रेड की थी सर। जहाँ जहाँ भी ये मर्डर्स हुए हैं वहाँ के सारे मेडिकल स्टोर्स की रिपोर्ट्स चेक करो, ये चोरी का माल खरीदने वाले जितने भी चोरी हैं सबको डंडा करो। ये आदमी अपने शिकार इंटरनेट के मैरिज वेबसाइट से ढूंढता है, इंटरनेट इज हिज फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उन 18 लड़कियों की फैमिलीज को मिलो, हो सकता है उनमें से कोई ना कोई उसे जरूर मिला होगा। यस सर। मुझे 19वीं लाश नहीं देखनी ऑफिसर। यस सर। सर कर लें। सुनीता इस रोहन को घर में मिलने में क्यों आपत्ति है? घरों से एलर्जी है क्या उसे? तो तुम्हारा घर कैसे बसेगा? पापा आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? ये लो आप पानी पियो और रिलैक्स हो। जब आप रोहन से मिलेंगे ना आप खुद ब खुद जान जाएंगे कि मेरी चॉइस गलत नहीं थी। हाय सुनीता, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था अभी। क्या हुआ, तुम आ रहे हो ना? सुनीता मैं
मैं अभी लेक्चर लेने वाला हूँ. एक्चुअली वो प्रोफेसर गोडबोले हैं ना, उनकी रिप्लेसमेंट करनी पड़ी. आई एम सॉरी, फिर कभी मिलते हैं. ओके, दैट्स नॉट फेयर रोहन, तुम्हें आना ही होगा. सुनीता समझा करो, मैं क्लासरूम के बाहर खड़ा हूँ, प्लीज. हाँ बाय. ठीक हो ना? क्या बात है, परेशान लग रहे हो. मेरी कोई फैमिली नहीं है. रचना, यू मैरी मी? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? देख, मैं तुझसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा. देख, हम लोग शादी करेंगे, हम लोग का एक छोटा सा बच्चा होगा. मैं तुम तीनों को बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा. रोहन, रोहन तुम वहाँ बैठो वरना मैं चिल्लाऊंगी. मैं तुझसे दहेज भी नहीं लूँगा. मैं पूरी शादी का खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है? तेरे मंगलसूत्र का खर्चा, तेरी 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 साड़ी का खर्चा. रोहन प्लीज, रोहन वहाँ बैठो. अरे रचना, तुम कब आई यार? तुमने मुझे थप्पड़ मारा क्यों? मैं तुम्हारा कली हूं ना. यू कैन जस्ट कम एंड स्लैप मी. इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता. रोहन ऐसे ना ना. सर आप इस वक्त जितना शौक है ना, मैं भी उतनी ही शौक हुई थी. वो हमारे बेस्ट प्रोफेसर्स में है रचना. लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कोई मेंटल ट्रबल हो. मे बी ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट. रचना, मे बी तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है. सर 950 जोड़ियों से पूछताछ की है, कुछ नहीं मिला उनसे. पूरे स्टेट में 3500 मेडिकल स्टोर की छानबीन हुई है, किसी ने लूज साइनेट नहीं बेचा. सर उन सारे 18 लड़कियों के फैमिली से कांटेक्ट हुआ है. ये बंदा कभी उनके घर नहीं गया और ना ही उन्होंने इसको देखा. इन लड़कियों ने कभी कुछ कहा नहीं? इन चारों केसेस में सर, चारों फैमिली वालों को पता था कि लड़की किससे मिलने जा रही है. लड़कियों ने ये बता दिया था कि वो एक कॉलेज में प्रोफेसर है. स्टेट के सारे कॉलेजेस छान मारो. सर ये उन लड़कियों की लिस्ट है जिन्होंने शादी की वेबसाइट पर अपना इश्तिहार दिया था. ये सारी लड़कियां मांगलिक है. ठीक है, इन सारे लड़कियों को कॉन्टेक्ट करो, पता लगाओ किसी प्रोफेसर ने इंटरेस्ट दिखाया हो. सर 1247 लड़कियां और सर लगभग उतने कॉलेजेस हैं. तो मतलब सर कई दिन लग जाएंगे सर? दिन नहीं, घंटे. मुझे चंद घंटों में रिपोर्ट चाहिए. यस सर. पता नहीं अगली बार किसकी बारी हो. पापा ने आपसे शादी क्यों नहीं की? बड़े घर के थे वो और मैं छोटा घर छोटी जाति. तो क्या हुआ? प्यार कर सकते तो शादी नहीं कर सकते थे क्या? छोड़ो ना रोहन, पुरानी बातें याद करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला. तकदीर की बात है बेटा. मैं शादी करूंगा, मैं उसे धोखा भी नहीं दूंगा. मेरे बच्चे भी होंगे और जायज होंगे. नाजायज नहीं मेरे जैसे. सारे राज्य में 1000 के ऊपर कॉलेजेस और उतने ही जूनियर कॉलेजेस. पूरी पुलिस फोर्स इस साइकोपैथ किलर को ढूंढ रही थी. काम मुश्किल जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं. नहीं नहीं, ऐसा आदमी हमारे स्टाफ में हो ही नहीं सकता. हम यहाँ यंग जवान लड़के लड़कियों को सही राह पर चलना सिखाते हैं इंस्पेक्टर. करेक्ट प्रिंसिपल साहब, बिल्कुल करेक्ट. लेकिन कभी कभी राह दिखाने वाले भटक भी सकते हैं. मतलब क्या आपके किसी मेल प्रोफेसर ने हाल ही में कोई एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाया है? मतलब छोटी सी बात हो सकती है. ओ यस, हाँ. क्या? हमारी इंग्लिश की प्रोफेसर मैडम रचना शनाई कह रही थी कि मैथ्स के प्रोफेसर मिस्टर रोहन ने उनके साथ बड़ा अजीब तरीके का बिहेव किया. सर उस दिन रोहन बहुत थका हुआ और परेशान लग रहा था. मैंने पूछा भी कि आर यू ऑल राइट, तो सडनली शादी के लिए प्रपोज कर दिया. बोला विल यू मैरी मी. इंटरेस्टिंग, अचानक एक दिन आपसे शादी प्रपोज कर दी. वही तो मैं प्रिंसिपल साहब को समझाने की कोशिश कर रही हूँ दैट ही इज नॉट नॉर्मल. मैं मिलना चाहता हूँ आपके इस हैंडसम मैथ्स प्रोफेसर से. मैंने पापा से कहा है कि मैं दोस्तों के साथ माथेरान जा रही हूँ. झूठ बोला? नहीं तो क्या सच बोलती? सच बोलती तो मुझे आने देते या फिर हमें सरप्राइज देने के लिए अरनाला ही पहुँच जाती. सरप्राइज तो मैं दूंगा कल शाम को. कैसा सरप्राइज? नो वे, पागल हो क्या? पापा मुझे मार डालेंगे. पापा कैसे मारेंगे तुम्हें?
लॉक तो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मैं तुम्हें मारूंगा। सुनीता भावे, मलाड वेस्ट मुंबई, ये तो मेरे एरिया में पड़ता है जी। पीएसए बाग, मुंबई पुलिस। कहिए क्या बात है? मिस सुनीता भावे यहीं पर रहती है। हाँ बेटी है वो मेरी। इंस्पेक्टर फर्नीस, मुंबई पुलिस। जी कहिए। प्रोफेसर रोहन है? रोहन तो घर में नहीं है, बाहर गए। मैं उनकी मिसेज हूँ कविता। कहाँ गए आपके मिस्टर? फिलहाल वो माथे में गई कुछ अपने दोस्तों के साथ। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मुझे बताइए, आपकी बेटी ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे शादी के लिए इश्तहार दिया था? हाँ तो क्या रिस्पॉन्स? हाँ है। कौन है वो लड़का? मैं उसे कभी मिला नहीं, लेकिन मेरी बेटी सुनीता उससे बहुत प्यार करती है। एक्चुअली मैं सुनीता उसी के साथ में माथेरान गई हुई है। करता क्या है लड़का? सुनीता बता रही थी कॉलेज में प्रोफेसर है। प्रोफेसर है? क्या नाम बताया आपने उसका? उसका नाम रोहन है। हाँ वाग बोल। वो जो लिस्ट दी है आपको उन लड़कियों की, उसमें से एक लड़की किसी प्रोफेसर के साथ शादी करने वाली है। कौन है ये लड़की? लड़की का नाम है सुनीता भावे फ्रॉम मलाड वेस्ट। और लड़के का नाम? उसका नाम है रोहन। वही है, एक्चुअली वही है। तुम एक काम करो, क्रैक टीम तैयार करो, मैं वही पहुंचता हूँ फौरन। या सर अब तो बताइए कि बात क्या है? हमें एक प्रोफेसर की तलाश है जिसने 18 लड़कियों का खून किया है। क्या? तो फिर आप हमारे घर पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो शख्स दिखने में अच्छा है और उसका नाम रोहन है। रोहन, मुझे डर लग रहा है। किस बात? मैंने कभी सोचा नहीं था कि शादी के पहले मैं ऐसा कुछ। लोग कल शादी कर रहे हैं ना, तो फिर कल तक के लिए रुक जाते हैं ना। आई फील मोर कम्फर्टेबल। सुनीता कल सुबह शादी कर रहे हैं और कई लड़के तो शादी भी नहीं करते हैं ना। लेकिन रोहन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैं भी ऐसा लड़का नहीं हूँ। पुलिस ने माथेरान के सारे होटल और लॉज छान मारे, लेकिन उन्हें रोहन और सुनीता का कोई पता नहीं चला। रोहन और सुनीता मुंबई से बस थोड़ी ही दूरी पर थे। सर बोलो। उन दोनों के मोबाइल शाम से स्विच ऑफ है। लास्ट कौन से टावर से कांटेक्ट हुआ था? अंधेरी वेस्ट। सर माथेरान से फोन है, वो दोनों नहीं मिले। सर मतलब सर वो कहीं और होंगे, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब तक 18 लड़कियां मरी, वो भी दिन में, वो सभी किसी न किसी बस स्टैंड के टॉयलेट में। ये कल सुनीता को सुबह मारेगा, देखना। पर सर वो दोनों कहां होंगे? तुम दोनों के फोटोग्राफ फ्लैश करो सभी पुलिस स्टेशन पर। ओके सर। सुनीता को बचाने के लिए हमारे पास चंद ही घंटे बाकी है। कम ऑन क्विक फास्ट। किसी भी सूरत में उस साइकोपैथ को पकड़ना जरूरी था, और उससे भी ज्यादा जरूरी सुनीता की जान बचाना। सुनीता ये गहने उतार दो। क्यों, क्या हुआ? सफर के टाइम पे सेफ नहीं होता ना, फिर मंदिर पहुंच के मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें पहनाता हूँ। अच्छा ठीक है। चलने के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूँ। चल नाला बीच स्टोर में आई हेल्प यू। हेलो, कोई रोहन आकर्षण नाम का आदमी आपके यहाँ ठहरा हुआ है? एक मिनट मैडम, लेट्स मी चेक। सुनो मैं अभी आई हूँ। नो मैडम, रोहन आकर्षण लिस्ट में नहीं है। कविता, मैं वाशी में हूँ। कोई ऑल नाइट स्कॉलर्स का प्रोग्राम था इसलिए आना पड़ा, बता नहीं पाया। अब वक्त मिला है तो बताया। सर जी, रोहन के सेल से कॉन्टैक्ट हुआ है, उसने सेल ऑन किया है, वो अर्नाला होटल पे है।
हमें तुरंत वहां जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है रोहन मैं कितना परेशान हो रही थी। क्यों, क्या हो गया? पुलिस आई थी घर पे रोहन, और वो किसी प्रोफेसर रोहन को ढूंढ रहा है। प्लीज रोहन जल्दी से घर आ जाओ, और उन्हें बता दो कि तुम वो रोहन नहीं हो। कविता अभी रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है, सब गलत फहमी है। मैं आ रहा हूँ ना घर। हाँ मैं रखता हूँ फोन। रोहन क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। चले? नहीं नहीं एक मिनट, तुम वो कल रात वाली बात याद है? रोहन धीरे बात करो, सब सुन रहे हैं। अरे गोली मारो दुनिया को, ये गोली ले लो, कॉन्ट्रासेप्टिव है। लेकिन तुमने प्रोटेक्शन यूज किया था ना? कविता उसकी क्या गारंटी है, कुछ भी हो सकता है ना। तुम्हें तो कल रात को आज सवेरे ले लेना चाहिए था। चलो चलो कोई नहीं, नहीं लिया ठीक है, अभी ले लो। अच्छा मैं ले लूंगी अभी, चलो। नहीं अभी लो, वैसे भी शादी की टेंशन कम है क्या? ड्राइवर जल्दी जल्दी, शायद अभी वो होटल में होंगे। Come on, fast. तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? सबके सामने मुझे डांट क्यों रहे हो? I'm sorry. तुम ये पानी लो, ये please, sorry, हाँ ये पानी लो। वहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ पे जाके इसको ले लो ठीक है। देखो भले कुछ भी ना हो, मेरी गारंटी के लिए ले लो, मेरी तसल्ली के लिए प्लीज। गो बाबा प्लीज प्लीज। बड़ी ही सहजता से अपने द्वारा किए गए हर औरत के कत्ल के इल्जाम को कबूल कर लिया। रोहन के हर जुर्म को साबित करने के लिए पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। सुनीता जिस आदमी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसने इतनी सारी औरतों की जान ली और वो उसे भी मारने की ताक में था। इस सच्चाई ने सुनीता को अंदर तक झकझोर के रख दिया है। रोहन का व्यवहार बेहद शांत और सहज है। उसके चेहरे पर किसी भी तरह की परेशानी या पछतावे का कोई भाव नजर नहीं आता। ये केस अब कोर्ट में है। जिस मेडिकल शॉप ने रोहन को साइनाइड कैप्सूल सप्लाई किए थे, वो दुकान ट्रेस हो चुकी है और उसका दुकानदार भी अरेस्ट कर लिया गया है। जहां तक प्रोफेसर रोहन अगाशी का सवाल है तो 18 बार ना सही, लेकिन कम से कम एक बार तो उन्हें फांसी जरूर होगी।